बीते 11 जुलाई को पटना में हुए शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद सरकार द्वारा अब तक वार्ता की कोई पहल नहीं की गई, जिससे शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा अब पोस्टर वॉर की शुरुआत कर दी गई है। जिला अध्यक्ष नंदन कुमार ने कहा कि सरकार हमारे प्रतिनिधियों से बात करने के बजाय लगातार कार्रवाई कर रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने प्रण पत्र की बातों को भूल गए हैं और चाचा की राहों पर चलकर वह भी पलटी मार हो गए हैं, इसलिए अब शिक्षक महागठबंधन सरकार को वोट की भाषा में समझाने के लिए उनके विरोध में अपने घरों में एक एक पोस्टर लगा रही है। हमारी एक मांग है राजकर्मी का दर्जा। इस मांग को लेकर हम लोग लगातार सरकार से सवाल उठाते रहे हैं। 11 जुलाई को पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है और सरकार ने वार्ता का आश्वासन भी दिया कि 31 जुलाई तक हम लोग वार्ता कर लेंगे शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन वार्ता करने के बजाय सरकार जो है लगातार शिक्षक प्रतिनिधियों पर कार्रवाई कर रही है। हम सब शिक्षक जो है समाज के अभी वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, ऐसे में सरकार जो है लगातार निलंबन करके बच्चों के शिक्षा के अधिकार का भी हनन करने का कार्य की है। और जब चुनाव आता है तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भी चाचा के राहों पे चल के पलटूमार हो गए हैं और हमारी जो मांग है राजकर्मी की दर्जा अभी तक जो है सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और सभी शिक्षक जो है अब आक्रोशित हैं। हमारा आंदोलन जो है और तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पोस्टर वार की शुरुआत किए हैं। अब जिले के हर नियोजित शिक्षक अपने घरों पे पोस्टर लगाएंगे जिसमें लिखा होगा कि सावधान, यह नियोजित शिक्षकों का घर है, यहाँ महागठबंधन के धोखेबाज नेताओं का प्रवेश वर्जित है। अब यह आंदोलन जो है हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे, इसको जन आंदोलन बनाने का कार्य करेंगे। यदि समय रहते सरकार हमसे वार्ता नहीं करती है तो इसका परिणाम आगामी चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम नंदन कुमार, जिला अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण।